हे गाइज वेलकम बैक। क्या ही बताएं, मतलब काय सॉन्ग यार, मराठी भी आ रहा है बीच बीच में। इतना खुश हो चुका हूँ मैं कि फाइनली शाओमी के फोन्स में आपको मी ब्राउजर देखने को मिलता है, वो इंडिया में बैन हो चुका है। हाँ गाइज ये सही न्यूज़ है, हाँ गाइज ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। हर एक बड़े बड़े वेबसाइट ने इसको कवर किया है और इसको बैन होना ही चाहिए था। इतने गंदे गंदे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भेजता था, बैकग्राउंड में लोकेशन कॉल लॉग्स की भी इंफॉर्मेशन लेता था। सो गाइज अभी भी आपके मन में डाउट आता होगा कि आपके पास रेडमी शाओमी या पोको का फ़ोन है तो उसमें EMI ब्राउज़र काफ़ी अच्छे से वर्क हो रहा है, सभी चीज़ें पहले जैसी ही चल रही है। तो अभी तक मतलब इंडिया में बैन हुआ है तो ये चल क्यों रहा है, मतलब बंद क्यों नहीं हुआ। सो गाइज इसके कुछ रीजंस है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो गाइज एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप शाओमी का मी ब्राउज़र यूज़ करते हो या अदर कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो एक्सीडिया डेवलपर ने इस टॉपिक को पूरा कवर किया है। तो यहाँ पे यार इन्होंने लिखा है कि जो मी ब्राउज़र इंडिया में बैन हो चुका है, ये ओनली अभी प्ले स्टोर से हट गया है और ये प्ले स्टोर में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर जिन पोको रेडमी या शाओमी के फ़ोन में आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम मी ब्राउज़र देखने को मिल जाता है, ये यार हटाने के लिए शाओमी को कुछ टाइम लगेगा। ये सिस्टम ब्राउज़र है वो डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं होगा, सो इसको अनइंस्टॉल करने के लिए या इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए शाओमी को कुछ टाइम यहाँ पे 100% लगेगा। तब तक इस ब्राउज़र को रिमूव करना है कि नहीं मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं हमेशा लेके आता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड वाली बेल आइकन पे जाके ऑल पे प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।